प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ मोहन प्यारे जी, आप यहाँ वो ज्वाला के सामने बोल नहीं पाए, डर गए तो फिर अंदर अदालत में क्या करेंगे? जेठालाल जी, इस वक्त ज्वाला जी की कुंडली में है ना सर्प योग है, और उनसे कोर्ट के बाहर उलझना ठीक नहीं रहेगा। चलो यारो, मैं आ गया। अरे आ गया शॉटी। हाँ। सेठ जी। We have come. हम आ गए। ये लीजिए। नहीं, सेठ जी के लिए है। अरे तो उनको ही दे रहा हूँ बागा। ले ले। ये लीजिए। अरे भाई मेरा रिसेप्शन थोड़ी है, आप लोग ये फूल दस्ता लेके आ गए, और मैंने मना किया था ना दुकान में रहना, दुकान संभालना, यहाँ क्यों आ गए? सॉरी सेठ जी, आपने जिसे ऑर्डर किया था वो आपकी दुकान में कम पगार में काम करने वाला आपका मुलाजिम था, पर अभी यहाँ जो आया है वो आपका वेल विशर है, शुभ चिंतक। और इस मुसीबत की घड़ी में हम आपका साथ देने आए हैं, क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता है। और दूसरा क्या है? बस आपकी सद्भावना मैं समझ गया, अभी शांति रखिए। सेठ जी, आपके केस का जज कौन है? क्यों नहीं, मैं पहचान निकलवाता हूँ। आगा कैसी बातें कर रहे हो जज से पहचान निकालने की, उल्टा इससे जेठालाल की परेशानी तो दूर नहीं होगी और मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ, वो गुलाबों का ऑलरेडी केस है और दूसरा केस भी हो जाएगा। यस Sadly right, Shodi bhai. And Baga, now you hold your horses of thought. क्या हुआ लड्डू को? उसे बिठाओ. नहीं लेटा. अरे क्या हुआ, क्या गया आँख में? मेरी आँख में कुछ नहीं गया. तो? अब शगुन हो गया. मेरी दाई आंख फटकने लगी। सेठ जी, तो अपशकुन हो ही गया। जब भी नट्टू काका की दाई आंख फटकती है, दुनिया में कोई ना कोई अपशकुन होता ही है। एक बार इनकी दाई आंख फटकी थी तो जापान में भूकंप आ गया था। फिर एक बार जब इनकी दाई आंख फटकी थी तो इंडोनेशिया में सुनामी आ गया था। सेठ जी, ये धीरे धीरे भारत की ओर आ रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग यहाँ मेरा साथ देने आए हैं या मुझे डराने आए हैं? जेठालाल, शगुन अपशकुन जैसी कोई चीज नहीं होती है भाई। और सोड़ी, तूने क्या नट्टू काका को गोद ले लिया है? उतार भाई, उतार इनको। हाँ, उतारो इनको, ये भी आराम से सोए पड़े। आपका बोलना चाहिए ना, उतारो मुझे। नट्टू काका, जेठालाल, चीजों का अच्छा या बुरा होना आंखों के फड़कने पे निर्भर नहीं करता। और दाई आंख फड़कने में कैसा आप चुकन? मेरे भी फड़की थी एक बार दाई आंख, तब पहली बार मेरी अंजलि से मुलाकात हुई थी, और देखो मुझे कितनी सुशील और सुंदर पत्नी मिली। मैं जब अपने रोशन को मिला था तब कौन सी आंख फड़की थी, राइट या लेफ्ट? याद नहीं। आप लोग चलिए, कोर्ट का वक्त हो गया। पराग आ गया क्या? हाँ, पराग है क्या? और बाकी गोकुलधाम वासी? नहीं, वो लोग तो नहीं आए। वो आना चाह रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। अरे उनको क्यों मना कर दिया, वो भी गवाह है इस केस में, उनको भी कोर्ट आना था। पर वकील साहब, ये बात आपने पहले बताई नहीं। नहीं बताया? नहीं, सॉरी, पहले केस की टेंशन में बताना ही भूल गया। आप एक काम कीजिए, जल्दी से उन्हें बुला लीजिए,
तब तक मैं देखता हूँ कि हमारा केस कौन से नंबर की कोर्ट में है। मैं आता हूँ। मैं फोन करता हूँ बेड़े को। लो, बेड़े का फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, तो अभी मैं पोपटलाल को फोन लगाता हूँ। उसके पास फोन है? अरे फोन तो उसके पास होता ही है ना, बैलेंस नहीं होता। अब तक तो ये लोग कोर्ट में पहुँच गए होंगे ना? हाँ रे, मेरे रोशन के साथ गए, वो लोग तो कब के पहुँच गए होंगे। अरे मेहता साहब का फोन, तो उठाओ, इनकमिंग फ्री है। बोलो बोलो बोलो। बोलिए मेहता साहब। हेलो पोपटलाल। हाँ सुनो, यहाँ पे हमारे सारे गोकुलधाम निवासी जेठालाल के फेवर में गवाह हैं, तो सबकी जरूरत कोर्ट में है। तुम सबको लेके कोर्ट आ जाओ जल्दी, अभी थोड़ी देर में केस शुरू होने वाला है। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ओके। क्या बोला? सब आ रहे। मेहता साहब, मैं फटाफट गोकुलधाम गड्डी में जाके सबको गड्डी में बिठा के ले आऊं? अरे नहीं नहीं यार, टाइम खराब होगा। तू जितनी देर में पहुंचेगा उतनी देर में तो वो रिक्शे में आधे रास्ते तक आ जाएंगे। अरे मेहता साहब कह रहे हैं कि इस केस में हम जेठालाल की फेवर में गवाह है ना, तो जल्दी हमको भी कोर्ट बुलाया है। वाह, क्या बजा रहा है भाई? मतलब जेठालाल का केस स्ट्रांग हो जाएगा ना, हम सब जाएंगे तो। जेठालाल को पहले ही बोला था कि हम सब लोग साथ चलते, लेकिन ये जेठालाल माना कहाँ? ये जेठालाल भी ना। चलो फिर चलते हैं जल्दी। हे फ्रेंड्स, चलो हम लोग भी जाते हैं। हाँ, आज तक मैंने पिक्चरों में ही कोर्ट देखी है। चलो चलो हम भी जाएंगे। हाँ मम्मी, हम लोग भी कोर्ट आएंगे प्लीज। गोली, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, फूड कोर्ट नहीं। गोली बेटा, एक बार जेठा भाई कोर्ट में केस जीत जाए फिर मैं सबको फूड कोर्ट ले जाऊंगा और सबको पार्टी दूंगा अपनी तरफ से। चलो बच्चों, अभी क्लब हाउस जाकर खेलो। चलो। ओके आंटी, अब आप लोग जाइए, पापा आप सभी का वेट कर रहे होंगे। चलो चलो, टाइम नहीं करना। हाँ, जाना नहीं। चल चल चल। एक रिक्शा नहीं है। सुनिए आप लोग जल्दी चलिए, केस शुरू होने का वक्त हो गया। सभी गोकुलधाम वासी आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, उनको फोन कर दिया, वो सब आ रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप में से कोई एक यहाँ पर रुक जाओ और जब सारे लोग आ जाए तो उन्हें कोर्ट नंबर 5 में लेके आ जाना। मैं रुकूंगा, तो कोई हाथ मत उठाना। ठीक है। चाचा जी, आप मेरे लिए पिता समान है। आज मेरी जिंदगी का पहला केस है, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये केस जीत जाऊं। हाँ, विजयी भव। थैंक यू। ऑल बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा को जीता देना। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आइए चलिए। मेहता साहब, सुना उसने क्या कहा? मैं कोशिश करूंगा, 100% जीता दूंगा, ऐसा नहीं बोला? जेठालाल सकारात्मक सोचो, जिंदगी में ज्यादातर दावे करने वालों को नहीं कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। मेरी माँ भी ये कहती है। अरे चलिए ना, आप लोग रुक क्यों गए? आओ चलो चलो, आइए आइए, वो यहीं रहेंगे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले कटघरे में मैं जेठालाल को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। जेठालाल हाजिर हो। इधर ही हो अभी। जेठालाल वहां नहीं, यहां। ये नजदीक है और दोनों सेम तो है, क्या फर्क पड़ता है? वो गवाहों के लिए है, ये मुलजिमों के लिए। हाथ रखो और बोलो। हाँ मालूम है, हिंदी पिक्चर में बहुत देखा है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और बस
जज साहब, ये केस एक फॉर्मेलिटी के लिए है, वन साइडेड केस है ये। वैसे देखा जाए तो ये केस एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने का है, ये केस एक पत्नी को छोड़कर भाग जाने वाले बुजदिल मर्द का है, ये केस एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का है, ये केस एक अबला नारी के वजूद का, उसके हक का है। वैसे योराना देखा जाए तो ये केस एक धोखेबाज मर्द का है। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, मेरे वकील धोखेबाज नहीं है। मेरे सिखाओ काबिल, आई एम सॉरी, काबिल नहीं, मेरे प्रतिस्पर्धी वकील ने बिल्कुल ठीक कहा योराना, जेठालाल धोखेबाज नहीं है, बल्कि धोखेबाज तो इनकी करतूतों के लिए बहुत छोटा शब्द है। ए झोला बेन, खबरदार जो मेरे पति का अपमान किया तो। हाँ, और दया बेन, वो तुम्हारे पति नहीं, पहले मेरे साहिबा है। नहीं, और सिर्फ मेरा पति है समझी? नहीं, मेरे साहिबा है। अरे कहा ना बाबा, वो मेरे पति है। अरे ऑर्डर ऑर्डर। नहीं भाभी प्लीज। देखिए, आप लोगों को ये पहली और आखिरी वार्निंग दी जाती है, अब अगर बीच में बोले तो कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। दया दया, शांति रख, तू शांति रख। अरे मैं तो शांति हूँ, ये देखिए ना गुलाबड़ी कब से उसकी रानी कर रही है। ये सब इसकी चाल है, तू शांति रख। केस आगे बढ़ाया जाए। अरे ये कोर्ट में मोर्चा लेकर कौन आ गया? नहीं नहीं सॉरी जज साहब, ये कोई मोर्चा नहीं है, असल में जेठालाल जिस सोसाइटी में रहते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी, ये सब उसके निवासी हैं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। जज साहब सॉरी, कोर्ट डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ऐसा मत बैठो, अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग आ गए ना, अब तो केस आगे बढ़ाओ। थैंक यू योर ऑनर। शहर में बसने वाले इस शातिर जेठालाल ने पहाड़ों में बसती भोली भाली गुलाबों को अपने प्यार के जाल में फंसा, उससे शादी करके उसकी आंखों में सुहाने सपने दिखाकर, फिर यह धोखेबाज गुलाबों की आंखों में आंसुओं का समुंदर भरकर उसे छोड़कर भाग गया और दूसरी शादी कर ली। और आज बरसों बाद गुलाबों को अपना पति जेठालाल चंपकलाल गड़ा मिला। वैसे देखा जाए तो कानूनन जेठालाल पर कई धारों पर केस चल सकता है, लेकिन गुलाबों सिर्फ अपने पत्नी होने का हक मांगती है। और अगर ये हक गुलाबों को नहीं मिलता है तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जेठालाल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे, अरे। हाँ हाँ, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। अरे ओड़ा, अरे अरे भाई, ए रुको रुको। केस आगे बढ़ाया जाए। योर ऑनर, इस धोखेबाज जेठालाल को। ओ ज्वाला बेन, खबरदार जो मेरे पति को धोखेबाज कहो तो। अभी ये साबित नहीं हुआ कि वो धोखेबाज है, और आगे से साबित भी नहीं होगा। वेरी गुड वकील भाई, आप बैठे क्या है, बोलिए ना कुछ। हाँ, बैठिए बैठिए। जज साहब, मेरे मुवक्किल पे जो इल्जाम लगे हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए, इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्वाला जी उनका अपमान ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ज्वाला जी, आप सभ्यता और मान से किस आगे बढ़ाइए। वैसे ये जेठालाल ऐसे मान सभ्यता के लायक तो नहीं है। जज साहब प्लीज। यस योर ऑनर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जज साहब, अब क्या है? बोल रहे हैं कोशिश करूंगी। हाँ तो प्रोसीड। अरे तुमसे नहीं, इन्हें कह रहा हूँ, तुम चुप रहो। आपस में बात करनी थी तो मुझे क्यों यहाँ खड़ा किया? क्या क्या क्या? नथिंग। देन प्रोसीड योर ऑनर। इसमें वो सारे सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी की है।
ये तो शादी के सारे प्रूफ है। इससे ये साबित होता है कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने गुलाब और मंगीराम ग्लोटा से शादी की है। योर ऑनर, अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अभी इसी वक्त गुलाबों को जेठालाल की पत्नी घोषित किया जाए और जेठालाल से दयाबेन की हुई दूसरी शादी को गैर कानूनी घोषित किया जाए। योर ऑनर, जेठालाल ने धोखे से भोली भाली दयाबेन को फंसा कर उनसे अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी की है और एक औरत होने के नाते मेरी पूरी सद्भावना जेठालाल के धोखे का शिकार हुई दयाबेन के साथ है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगी कि हर महीने दयाबेन को जेठालाल से खर्चा दिया जाए, क्योंकि दयाबेन पर उनके बेटे टप्पू को संभालने की जिम्मेदारी भी है। भगवान, ये क्या अनाप शनाप बोल रही है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगी कि हर महीने दयाबेन को जेठालाल से खर्चा दिया जाए। अरे वकील साहिबा, क्या अनाप शनाप गल कर रही हैं आप? आपने सोचा भी है आपकी इन बेहुदा बातों से दया भाभी के दिल पे क्या गुजर रही होगी? तो और मेरा भी वो देखो, अरे रो रही है दया भाभी। और आपने ऐसे कैसे कह दिया कि दया भाभी की जेठा प्रा के साथ जो शादी है उसे गैर कानूनी घोषित किया जाए? जज साहब, दया भाभी ही जेठा प्रा की इकलौती सच्ची और असली पत्नी है। अरे इनका एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम टप्पू है जी। ऑर्डर ऑर्डर। अरे पाजी आप चुप हो जाइए वरना आपको सजा हो जाएगी। और कोई गल नहीं, और हम सजा से डरते हैं। जज साहब, देनी है तो आप मुझे सजा दे दो और भेजना है तो मुझको जेल में भेज दो। पर आपसे रिक्वेस्ट है जज साहब, और दया भाभी जी और जेठा प्रा की शादी को गैर कानूनी घोषित मत करना। जज साहब, हम सभी मानते हैं अपना जेठा प्रा दो शादियां कभी नहीं कर सकता। अरे बरसों से एक सोसाइटी में हम लोग एक साथ रह रहे हैं। अरे जज साहब, दया भाभी ही जेठा प्रा की असली वाइफ है, आप समझते क्यों नहीं हो? ये केस ही झूठा है, इस केस को अभी के अभी दफा दफा कर दो आप। ऑर्डर ऑर्डर। छोटी 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 शांत हो जा। दोस्तों, अदालत में सोडी सनी देओल बन चुका है। यूं कहूं कि अदालत एक अखाड़े में तब्दील हो गई है जहां पे केस नहीं कुश्ती लड़ी जा रही है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अदालत का प्रांगण बन गया है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां एक तरफ है कौरवों के रूप में गुलाबों की सेना जिनके साथ हालात है और सबूत है, और दूसरी तरफ पांडवों के रूप के अंदर जेठालाल की सेना जिनके साथ सच्चाई है। लेकिन इस वक्त मुझे चिंता यह है कि हमारे वकील मोहन प्यारे जो बिल्कुल एक छोटी मछली की तरह है और सामने है ऑक्टोपस की तरह ज्वाला जो उन्हें अपने जाल में जकड़ने के लिए बेताब है और जो तैयार है जेठालाल पे हर दांव खेलने के लिए, अब क्या होगा यहां पे? अभी तो अदालत के 20-20 ओवर्स के मैच में पहला ओवर फेंका गया है, अभी तो बहुत सारे चौके छक्के यानी कि गोकुलधाम निवासियों की गवाहियां बाकी है। तो देखना यह है कि इस हंगामे के पिच पे क्या क्या होता है। बस डर यह है कि कहीं ज्वाला के बाउंसर जेठालाल को आउट ना कर दे। बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। जानने के लिए, हंसने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.